हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना स्किल्स में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ की बहुत ही मसालेदार और बहुत ही चटपटी सब्जी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पर ऑयल गर्म होने के बाद में मैंने जीरा भी डाल दिया, वो भी ब्राउन हो चुका है। अब मैंने जो लहसुन होता है उसके पीसेस कर लिए थे छोटे छोटे, वो डाल दिए हैं। और मैंने एक प्याज जिसको कट कर लिया था वो डाल दिया है कट करके। और अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई होने देते हैं। इसके साथ ही हम डाल देते हैं हरी मिर्ची, मैंने 3 हरी मिर्ची कट की हैं उनको डाल दिया है। और अब हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और ये देखिए हमारे प्याज और हरी मिर्ची है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर, और टमाटर को भी कर देंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो, बहुत ही मसालेदार बनती है। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब क्या है, पापड़ हमारे बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं तो मैं सभी इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से गला लेना है हमें। तो ये देखिए हम इसके अंदर डाल देंगे सभी सूखे मसाले। तो मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाली है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये मिक्स होने के बाद में हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। दोनों चीज़ों को भी बिल्कुल कर देंगे अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए हमारे सभी मसाले हैं वो हमने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब बारी आती है, अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। लगभग मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है क्योंकि पापड़ की सब्ज़ी के अंदर पानी अभी डालेंगे, बाद में पानी नहीं डाल सकते क्योंकि पापड़ बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसलिए हम पानी में अच्छा से उबाल आ जाएंगे उसके बाद हम पापड़ डालेंगे लास्ट में। तो हमने पानी को पहले ही डाल दिया है ताकि हमारे प्याज टमाटर और हरी मिर्ची हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ, घुल जाएँ पानी के अंदर। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और लगभग 5 मिनट तक इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे प्याज टमाटर और हरी मिर्ची थे वो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, पक चुके हैं और पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। पानी में उबाल आने के बाद में मैंने पापड़ को सेक लिया है वैसे, ये देखिए, और सेक के बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है इसको, बड़े आसानी से टूट जाते हैं। और अब मैंने इसके अंदर पापड़ ऐड कर दिए हैं और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कितनी शानदार सब्ज़ी बन के रेडी होगी हमारी पापड़ की, बहुत ही सुंदर कलर दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे, पापड़ डालने के बाद हमें सिर्फ मीडियम फ्लेम पर इसको 1 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना वरना जो पापड़ हैं वो गल जाएंगे और सब्ज़ी हमारी टेस्टी नहीं बनेगी। तो ये देखिए हमारी पापड़ की सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है, बच्चे और बड़े सबकी पसंद होती है पापड़ की सब्ज़ी। तो चलिए अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए मैं अलग बर्तन में निकाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है जब पापड़ की सब्ज़ी बनती है तो। और अगर इस तरीके से बनाओगे तो पक्का आपका रोज़ खाने का मन करेगा और आप रोज़ बना बना के खाओगे, बहुत टेस्टी बनती है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।